आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तुम्हारा प्रश्न कह रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रतिजन का बंधक स्थल है, ठीक है, जिसमें आपको पहला विकल्प दिया है भारी श्रृंखला के परिवर्तनीय क्षेत्र, दूसरी है हल्की श्रृंखला के परिवर्तनीय क्षेत्र, तीसरा है हल्की श्रृंखला के स्थिर क्षेत्र और चौथा है हल्की एवं भारी श्रृंखला दोनों के परिवर्तनीय क्षेत्र। तो इसमें दिया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, तो एक एक करके देखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, इम्यून मतलब प्रति रक्षा, है ना, और ग्लोबुलिन मतलब होता है प्रोटीन, तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रोटीन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो होता है वो ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से मिलके बना होता है, जो हमें क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी, ठीक है, जो अपने प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें प्रतिजनों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो अगर हम इस एंटीबॉडी की संरचना को देख लेंगे तो क्या हमें पता चल जाएगा कि प्रतिजन का बंधक स्थल कौन सा है। जी हाँ, तो आइए हम देखते हैं इसका संरचना देखते हैं। तो इसकी जो संरचना है वह एक जोड़ी हल्की श्रृंखला से और एक जोड़ी भारी श्रृंखला से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास दो जोड़ी श्रृंखलाएं होंगी और ये दो जोड़ी श्रृंखलाएं किसकी होती है, पॉलीपेप्टाइड चैन की बनी होती है, इसकी बनी होती है दो जोड़ी पॉलीपेप्टाइड चैन की बनी होती है, जो कि एंटीबॉडी प्रोटीन है, और प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्ल अगर श्रृंखला बनाती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन। तो यहाँ पे दो जोड़ी पॉलीपेप्टाइड चैन है, तो एक जोड़ी जो है किसकी है, हल्की श्रृंखला की, किसकी है, हल्की श्रृंखला की, और दूसरी जोड़ी है भारी श्रृंखला की, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आइए इनमें और कौन कौन से पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो जो हल्की श्रृंखला का जो चैन है वह आपको छोटी दिख रही होगी, है ना, आपको कैसे दिख रही है, वो छोटी दिख रही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैसी है, ये छोटी श्रृंखला है ना, और भारी श्रृंखला जो है ये बड़ी श्रृंखला है। तो छोटी श्रृंखला में आपको दिख रहे होगा ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ठीक है, तो L मतलब लाइट, ठीक है, मतलब हल्की, और V का मतलब अभी हम बताएंगे, और यहाँ पे भी L। तो ये हल्की श्रृंखला जो है वह दो भागों में बटी हुई है, वी एल एंड सी एल, ठीक है। उसी प्रकार भारी श्रृंखला भी देख रहे हैं तो ये बनी हुई है किसमें, वी एच, ठीक है, सी एच वन, सी एच टू और सी एच थ्री, तीन चार भागों से, कौन कौन से, वी एच, सी एच वन, सी एच टू और सी एच थ्री। एल मतलब क्या है, लाइट, और एच मतलब है हैवी, ठीक है, हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्की। तो इसमें दो दो भाग अलग से हैं, जिसमें हम देख लेते हैं यह जो वी है ना, वी वी वाला यह होता है वेरिएबल, जो क्या होता है, परिवर्तनीय
ठीक है, परिवर्तनीय स्थल, अर्थात हमारे पास हल्की श्रृंखला के पास एक परिवर्तनीय स्थल है और भारी श्रृंखला के पास एक परिवर्तनीय स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो हल्की श्रृंखला है, तो मतलब दो परिवर्तनीय स्थल हल्की श्रृंखला के और दो परिवर्तनीय स्थल भारी श्रृंखला के, ठीक है। और उसके पश्चात है एच, सॉरी सी, ठीक है। ये जो सी वाला भाग है, सी इट मीन्स कॉन्स्टेंट, मतलब क्या, स्थिर स्थल, स्थिर स्थल, ठीक है। मतलब कि ये परिवर्तनशील नहीं होंगे, ये स्थिर होंगे। तो हमारे पास हल्की श्रृंखला के पास एक स्थिर स्थल है, किंतु भारी श्रृंखला के पास हमारे पास तीन स्थिर स्थल है, ठीक है। हो सकता है चौथा भी मिल जाए, है ना। तो ये अस्थिर भाग जो परिवर्तनीय स्थल होते हैं और स्थिर भाग जो स्थिर स्थल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिवर्तनीय अस्थिर भाग जो होते हैं, वहां से आके कौन बनते हैं आपके, प्रतिजन। वहां से आके कौन बनता है, प्रतिजन, ठीक है। वहां से आके बनता है कौन, प्रतिजन। तो वह आके जुड़ गया यहाँ से, ठीक है। और जुड़ने के पश्चात परिवर्तनीय स्थल है, उसमें कुछ परिवर्तन लाके अपना जुड़ गया, ठीक है। इसी जो स्थिर भाग में कौन सा एक क्षेत्र होता है, सीडीआर, है ना। इस सीडीआर को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पूरक निर्धारण क्षेत्र, ठीक है। तो यही, यह जो एंटीबॉडी का यह जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र जो होता है, ये प्रतिजन का पूरक क्षेत्र को क्या कर लेता है, पहचान लेता है, ठीक है। इसी क्षेत्र के द्वारा यह क्या करता है, प्रतिजन को पहचान लेता है। तो हमारे पास प्रश्न क्या है कि इम्यूनोग्लोबिन का प्रतिजन का बंधक स्थल क्या है। तो यहीं से प्रतिजन बंध रहा है, तो हमारे पास क्या है, यह जो अस्थिर भाग है जहां से प्रतिजन क्या हो रहा है, बंध रहा है ना। तो यह किसका भाग है, यह दोनों का भाग है, भारी श्रृंखला का और हल्की श्रृंखला का। किंतु कौन सा भाग है, यह अस्थिर भाग है, मतलब परिवर्तनीय क्षेत्र है, ठीक है। तो अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हल्की एवं भारी श्रृंखला दोनों के परिवर्तनीय क्षेत्र। चौथा, कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।